सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन्द्र कुमार फ्रॉम dkwebtech.com। और फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, वो भी वेबसाइट डिजाइनिंग की। फ्रेंड्स, इससे पहले की सीरीज में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी से, और आप सभी ने उस सीरीज को काफ़ी अच्छा सराहा और काफ़ी अच्छा बोला कि काफ़ी अच्छी सीरीज थी। बट ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी होने वाली है सीरीज, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ही बेसिक से आपको बताऊंगा और एडवांस तक मैं आपको सारी चीज़ें, यानी कि ये जो सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको पूरा वेब का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और इसको आप लास्ट में अगर चाहें तो आप DVD में भी बाय कर सकते हैं। जैसे मेरी सीरीज कंप्लीट होगी, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, आप इस सीरीज को पूरा का पूरा DVD में बाय कर सकते हैं और विद सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने भी आप कोर्सेज मैं रेडी करूंगा, वो सारे के सारे मैं आपको DVD में भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, यानी कि व्हाट इज अ वेबसाइट, वेबसाइट होता क्या है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सीरीज में भी बताया था और कुछ इसमें भी वैसा ही बताने वाला हूँ, जैसे कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, हमें कोई भी नीड होती है किसी भी चीज़ की, तो हम जहाँ से उस चीज़ को प्राप्त करते हैं उस डेटा को, वो हमारा एक वेब पेजेस यानी वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ गेट करते हैं यानी पाते हैं, कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन हमें जानकारी मिलती है, वो हमें एक वेबसाइट के थ्रू मिलती है। तो फ्रेंड्स, वो वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वी डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग HTML, CSS, JavaScript, jQuery, etc. सो फ्रेंड्स, जो हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनका यूज़ किस कैसे कैसे क्या रेडी करते हैं, HTML, CSS, JavaScript, jQuery का यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे jQuery और JavaScript जो है आपका, दोनों चीज़ें लगभग एक होती हैं, क्योंकि JavaScript का मिनीफाइड वर्जन जो होता है वो jQuery होता है। इसमें jQuery का एक स्लोगन है कि लेस राइट एंड डू मोर, यानी कि कम लिखो और ज़्यादा पाओ, ऐसे कुछ करके हैं। तो HTML और CSS में मैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक मैंने स्ट्रक्चर लेयर ये रेडी किया हुआ है HTML का, यानी कि HTML जो आपका है विदाउट CSS के, जो HTML आपका एक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ढांचा है मानव कंकाल के जैसा, यहाँ पे हेड है, बॉडी है, बट लुक आप देखिए, ना तो कोई अपीयरेंस है, ना तो कोई लुक है, कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही हम इसमें CSS यूज़ करते हैं इस ढांचे में, जैसे ही हम CSS को ऐड कराते हैं, वैसे एक अपीयरेंस आ जाता है, एक अच्छा सा लुक आ जाता है, यानी कि ये जो लेयर बन जाती है वो एक प्रेजेंटेशन लेयर बन जाती है, आप ये कह सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि HTML CSS के कॉम्बिनेशन से ही एक स्पष्ट, एक अच्छा, एक लैंडिंग पेज, एक आपका जो थीम है, एक आपकी वेबसाइट की थीम रेडी हो सकती है, वो भी HTML CSS के माध्यम से। अगर आप सिर्फ HTML के यूज़ करेंगे तो उसमें ना तो कोई अपीयरेंस आ पाएगा, ना तो आप ठीक से कलर उसमें दे पाएंगे, ना तो फॉन्ट चूज़ कर पाएंगे, ना तो उसमें रिस्पॉन्सिवनेस ला पाएंगे। सो HTML CSS दोनों का काम, दोनों कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, एक्सटेंशन जो क्या होती है, एक्सटेंशन HTML की एक्सटेंशन जो होती है वो .html होती है, CSS की .css होती है, jQuery जैसे मैंने आपको बताया, jQuery और JavaScript जो jQuery ऐप की है, JavaScript का मिनीफाइड वर्जन होती है, इसका एक्सटेंशन दोनों का .js होता है। जो टूल्स यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, वो टूल्स यूज़ करने वाले Notepad++, Sublime, Dreamweaver, Adobe Muse, CC, etc. ओके, यानी कि हम यहाँ पे जो सबसे पहले यूज़ करेंगे Notepad++ और Sublime, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप। और बाद में जब भी हमारी सीरीज कंप्लीट होने वाली होगी तो उसके लास्ट में मैं आपको Dreamweaver का यूज़ भी बताऊँगा, और उसके लास्ट में मैं आपको Adobe Muse CC, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप इजली वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकेंगे, बहुत इजली है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तब भी आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए आप इजली वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, HTML पे थोड़ी सी एक सरसरी निगाह डालते हैं। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML stands for Hypertext Markup Language, which is the most used language on web pages to write and develop web pages. इसका यूज़ जो होता है वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं
उनमें कंटेंट डालने के लिए, यानी कि उनको डेवलप और डिज़ाइन करने के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकेंगे, या मैं फाइनली जब पूरा रेडी हो जाएगी सीरीज के बाद में मैं आपको ये पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसको हम करते हैं लेशन फर्स्ट के नाम से। ओके, लेशन फर्स्ट देते हैं, और यस लेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पे दिया है। लेसन फर्स्ट में जाएंगे, या अपनी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इसका वेबसाइट, जो भी आप जिस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हो उसका नाम भी दे सकते हो। अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, और इसको नाम देते हैं index.html, ठीक है। और इसको हम ओपन करते हैं एडिट विद नोट पैड, तो हम यहाँ पे नोट पैड यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, ये कंटेंट हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ये कोई मायने नहीं रखता, ये हेडिंग्स हैं, ये टाइटल्स हो गया। सो ये आपका स्ट्रक्चर इतना होता है, इसके बीच में आपका कंटेंट आएगा, यानी डॉक डॉक टाइप HTML, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं, डॉक टाइप आपका कैपिटल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे HTML हो गया, आपका हेड हो गया, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया, अब इसको आप रन करा सकते हो, रन कराएंगे लॉन्चिंग क्रोम, क्रोम पे इसको रन करा रहे हैं। सो ये देखिए दिस इज अ हेडिंग। अब यहाँ पे जो टाइटल देंगे वो टाइटल यहाँ पे शो कर देता है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, ये देखिए जो टाइटल यहाँ पे देंगे वो टाइटल यहाँ पे शो करता है, और ये हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पे आ गई, यानी H1 हेडिंग होती है। ये टैग्स होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट जो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड है उनमें इन सब चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। और ये आपका पैराग्राफ टैग होता है, और डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, सो ये यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। सो ये आपका जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और अब यहाँ पे आएंगे अपने फोल्डर में, जो हमने क्रिएट किया होता है Lesson 1 के नाम से, आप इसको अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए DK Webtech हम देना चाहते हैं तो इसको आप DK Webtech भी कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, जो भी चाहें आप। तो ये इंडेक्स फाइल को रन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी रन करा सकते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम, एक तो यहाँ से कर सकते हैं, और एक तो आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर, जो भी आप कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इसको रन करा सकते हैं। तो ये दो मेथड है फाइल को रन कराने के। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है, यस स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल सीट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सटर्नल सीट जो CSS यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ CSS का यूज़ किस लिए होता है, उसमें फॉन्ट फैमिली हमें देनी है अपने पेज में, मन मुताबिक फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फॉन्ट साइज दे सकते हैं, उसका अपियरेंस पूरा हम CSS के माध्यम से ही सही करते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या करना है, CSS 3 प्रकार से यूज़ करते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्टाइल सीट हो गई, और एक इंटरनल स्टाइल सीट हो गई, और एक इनलाइन स्टाइल सीट हो गई। तो इसको हम 3 तरीके से, तो एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं, इंटरनल CSS कैसे यूज करते हैं, और इनलाइन CSS कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए क्या होता है कि अब मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया इसके अंदर CSS नाम का, कि हमारी वेबसाइट में जितने भी CSS होंगे वो हम इसी फोल्डर में डालेंगे जाके। और यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले एक CSS की फाइल बना ली, style.css, ठीक है, style.css। और यहाँ पे मैंने कुछ CSS दे दी, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो H1 है, यानी कि H1, ओके, ऐसे CSS दी जाती है, H1, दो पैरेंथेसिस लगाए मैंने, और हमने कहा जो कलर है H1 का वो आपका 5757 रेड लगभग ऐसा हो, और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट स्टाइल क्या हो, वो एरियल हो। और हमने कहा इसका फॉन्ट साइज, इसको हर एक चीज को डिफाइंड करते हैं, फॉन्ट साइज आपका क्या होना चाहिए, 40px होना चाहिए, यानी 40 पिक्सल होना चाहिए। और टेक्स्ट अलाइन जो है वो आपका टेक्स्ट अलाइन इसका जो है सेंटर होना चाहिए। सो
तो अब हम इतना करना चाहते हैं। अब क्या देखिए, हमारी जो इंडेक्स फाइल है वो ये है, और सीएसएस के अंदर ये हमने सीएसएस टाइप कर दी है अपने H1 की प्रॉपर्टी सारी, ठीक है ना। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए स्टाइल फाइल को यहाँ पे, ये हमारी एक्सटर्नल सीएसएस हो गई, यानी बाहरी, ये बाहर मैंने सीएसएस क्रिएट कर ली है। अब इसको यहाँ पे लिंक कराना होगा। अब इसको यहाँ पे लिंक कराएंगे, लिंक रेल स्टाइल सीट करेंगे, और टाइप क्या होगा, टेक्स्ट स्लैश सीएसएस और एच आर एफ क्या होगा यहाँ पे, सीएसएस के अंदर हमारा स्टाइल डॉट सीएसएस है। सो अब इसको रन करा के देखेंगे, अगर कनेक्ट हो जाएगी तो अपने आप ही प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए, ये सेंटर हो चुका है, यानी कि हमारी सीएसएस अटैच हो चुकी है, यानी ये आपकी एक्सटर्नल सीएसएस कहलाती है। सो यहाँ पे कलर आप, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं इसको सिंपल से कोड मत कर रेड कर रहा हूँ, इसको मैं कलर जो है रेड कर रहा हूँ, और रेफरेंस करके तो देखिए रेड हो गया। अब मैं इसको येलो करना चाहता हूँ, येलो किया मैंने, और इसको रेफरेंस किया, यस येलो भी हो गया। और इसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ, और इसको रेफरेंस करता हूँ मैं, सो ये ब्लू भी हो गया। तो देखिए, यानी सारी प्रॉपर्टी हमारी काम कर रही है जो मैंने एक्सटर्नल यूज़ की थी। एक्सटर्नल सीएसएस जो यूज़ करते हैं वो, यानी कि बाहर सीएसएस कहीं पर लिखी हुई हो और उसको हम यहाँ पे लिंक करके कॉल कराएं और ये काम करे, यानी ये एक्सटर्नल सीएसएस हो गई। अब इसके बाद में आपकी एक्सटर्नल के बाद इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस का मतलब हुआ, हम यहाँ पे पी की भी प्रॉपर्टी दे देते हैं, ऐसा करते हैं, पी और दोनों में सेम नहीं, पी की हम अलग देते हैं, यानी पैराग्राफ की हम यहाँ पे अलग देंगे प्रॉपर्टी। और क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा कम करेंगे, एक्चुअली ये 14 पिक्सल कर देंगे, और रेफरेंस ओके। हमने 14 पिक्सल की, अब हमें कौन सी यूज करना है, अब इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हैं, यानी इंटरनल स्टाइल सीट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस लिंक को हटा देते हैं, जो मैंने लिंक दिया हुआ था यहाँ पे, इसको हटाएंगे, और अब रेफरेंस करके देखेंगे आके कि क्या फर्क पड़ा है यहाँ पे। तो देखिए, फिर से अपनी जैसी स्थिति थी वैसा ही हो गया है। सो अब क्योंकि ये एक्सटर्नल सीएसएस जो यूज़ करे थे उसका लिंक हटा दिया है, अब ये अटैच नहीं रह गई। तो अब हमें इंटरनल सीएसएस यूज करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल लिखेंगे और फिर स्टाइल को क्लोज करते हैं। ये आपके टैग्स होते हैं, ये हेड के क्लोज होने के पहले हम यूज करते हैं इनका। और अब जो सीएसएस यूज की थी हमने एक्सटर्नल सीएसएस, उसको कॉपी कराएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब इसको रेफरेंस ला के देखिए, तो फिर काम कर रही है आपकी जो सीएसएस है, यानी कि ये आपकी इंटरनल सीएसएस होती है। अब इसके बाद में हमें इनलाइन सीएसएस यूज करनी है। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे 2-3 सीएसएस का यूज किया था, एक एक्सटर्नल हो गई, इंटरनल हो गई, अब इनलाइन कैसे यूज करनी है। तो इनलाइन का मतलब होता है कि उसी लाइन में जहां पे हमें प्रॉपर्टी देनी है, H1 की देनी है, तो इसी लाइन में यूज करना था। यानी कि यहाँ पे आएंगे और स्टाइल लिखेंगे इक्वल टू, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये पूरी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ से हटा देंगे सर, इसका कोई यूज नहीं है, और ये वाली भी कॉपी कर लेंगे पैराग्राफ की, और ये भी हटा देंगे यहाँ से। अब हम इनलाइन यूज कर रहे हैं, पी में भी आएंगे और इसमें भी स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो अब चाहे तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे एक लाइन में सिंपल से लिख सकते हो, अलग अलग नहीं करना चाहते हो अगर, तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। और इसको सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे भी काम कर रही, ये आपके इनलाइन सीएसएस हो गए। तो फ्रेंड्स, सीएसएस हम 3 प्रकार से यूज करते हैं, एक तो हो गई आपकी एक्सटर्नल सीएसएस, एक इंटरनल, एक इनलाइन। तो हमने यहाँ पे तीनों बता दिए आपको कैसे यूज करना है। अब इसके बाद में आपका क्या आता है, जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट, ठीक
ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट का मिनिफाइड वर्जन जेक्वेरी होता है। सो स्क्रिप्ट कुड जनरेट अ पॉपअप अलर्ट बॉक्स, ये पॉपअप अलर्ट बॉक्स जनरेट कर सकता है। यू कैन राइट वेरियस स्मॉल फंक्शन, आप छोटे छोटे फंक्शंस लिख सकते हैं। यू कैन कीप जावास्क्रिप्ट कोड इन अ सेपरेट फाइल एंड देन इंक्लूड इट वेयर एवर इट्स नीडेड। आप देखिए, आप अलग कहीं पे भी किसी डॉट जे एस फाइल में आप सारे फंक्शन नोट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जहाँ पे आपको जरूरत हो उस फंक्शन की, वहाँ पे आप उसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे उसको ऐड करा सकते हैं। और यू कैन डिफाइन फंक्शनलिटी इनसाइड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ, और उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शनलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने सीएसएस नाम का फोल्डर बनाया था, वैसे ही एक जेएस का भी क्रिएट कर लेते हैं। ये जेएस का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने एक एक फाइल क्रिएट की। मैंने कहा कुछ भी रख दीजिए, जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस कर दीजिए, ठीक है। मैंने जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस कर दिया, इसको नेम पढ़ते हैं, ये जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो अब क्या करना है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं। हम डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ओके, ऐसे फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे हमने एक अलर्ट दे दिया, अलर्ट अलर्ट दिया मैंने। ओके, डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक छोटा सा एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पे, आपको जरा सा समझाने के लिए ये किया हुआ है, ठीक है। अब इंडेक्स फाइल पे आएंगे और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बटन ले रहे हैं, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप बटन दे दिया और नेम इसका कुछ भी दे दीजिए। नेम मैंने ओके कर दिया और इसकी वैल्यू वैल्यू दे दी मैंने क्लिक हेयर, ठीक है, वैल्यू क्लिक हेयर दे दी और यहाँ पे ऑन क्लिक कर दिया मैंने इक्वल टू ऑन क्लिक पे मैंने जो फंक्शन बनाया था हेलो। ओके, जो फंक्शन आया था वो दे दिया मैंने, इनपुट टाइप बटन कर दिया, नेम ओके, वैल्यू क्लिक हियर, ऑन क्लिक पे हेलो दे दिया। अब इसको देखते हैं रन करा के, और ये क्लिक हियर, अब इसको सेंटर अगर करना चाहते हैं तो देखिए इसको आप सीएसएस में जाके कर सकते हो, या फिर आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे हम सेंटर का, ये ओके, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक हेयर, सो पॉपअप ओपन होके आ जाता है, वैल्यू क्लिक हेयर आएंगे, सो यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे और टाइप लिखेंगे, टाइप में क्या है, ये टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पे एस आर सी यानी सोर्स क्या है, हमारा जे एस नाम के फोल्डर में स्लैश जावा स्क्रिप्ट नाम की, जावा स्क्रिप्ट डॉट जे एस नाम की एक फाइल है, उसको कॉल कर लो। अब यहाँ पे रेफरेंस करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड यानी पॉपअप आपका आ गया है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी अगर ये हम यहाँ पे लिंक ना करवाते तो यहाँ पे एक चीज़ आ, देखिए इस तरीके से हम इसको लिंक करवाते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को, और सीएसएस की फाइल कैसे लिंक करानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको हटा के फिर से मैं आपको लास्ट टाइम एक बार बता दे रहा हूँ कैसे लिंक कराएंगे, कैसे लिंक कराना है यहाँ पे हमको सीएसएस वाली फाइल को, लिंक रेल स्टाइल सीट करेंगे, टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस
एच आर ई एफ करेंगे, और यहाँ पे सी एस एस नाम के फोल्डर में स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल है, उसको कॉल कर लो और रेफरेंस करेंगे, यानी ये अटैच हो गई। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला जो होता है स्टाइल यानी सी एस एस वाली फाइल को अटैच करने का होता है, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आपकी जो जावा स्क्रिप्ट फाइल होती है उनको लिंक कराने का होता है। तो आई होप कि ये वीडियो ट्यूटोरियल अभी आप बिगिनर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जस्ट इंट्रो टाइप में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही आराम से बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था और जस्ट एक इंट्रो था जो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने की। फिर भी अगर कोई गलती हो गई है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।